दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो टूल क्रिएट करेंगे उस टूल का नाम है फ्री ऑनलाइन एफएक्यू जनरेटर टूल। ये टूल क्या क्या काम में आता है दोस्तों? इस टूल के जरिए आप अपने वेबसाइट के लिए क्वेश्चन आंसर, जो क्यू एन ए जनरेटर बोलिए, चाहे जीके नॉलेज वाला जो क्वेश्चन सवाल वाला जो भी टूल आप बनाना चाहते हैं, वो टूल आप यहाँ से आराम से बना पाएंगे। ये एक जनरेटर टूल है, मतलब आप इंजन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये स्क्रिप्ट आपको बाय करना पड़ता है, लेकिन मैंने आपके लिए इसको फ्री में इम्प्लीमेंट किया हूँ। आपको इसके लिए कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और आप इस टूल को खुद से ब्लॉगर में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आप अपना वेबसाइट में व्यूअर्स को ज़्यादा देर ठहराने के लिए और वॉच टाइम बढ़ जाए, इसके लिए आप तरह तरह के सवाल जवाब का सेक्शन आप उसमें बना के डाल सकते हैं। आप अपना वेबसाइट में किसी भी पोस्ट में हो, चाहे वेबसाइट में हो, जहाँ में मर्जी, आप यहाँ से जनरेट किया हुआ कोड को वहाँ में पेस्ट कर देंगे तो वहाँ में वो दिखने लग जाएगा इस टाइप से। जैसे देखिए, यहाँ में एक क्वेश्चन है, यहाँ में जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो उसका जवाब भी उनको साथ साथ यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये जो साइड में जो दिख रहा है, इस टाइप से ये आपका वेबसाइट में शो करेगा। तो इससे क्या होगा, जिन आपका व्यूअर्स का इंटेंशन भी आपके वेबसाइट के तरफ ज़्यादा होगा, इससे आपका अर्निंग भी अच्छा होगा। पहले टूल को समझ लेते हैं। तो देखिए, इस टूल में गूगल सर्च कंसोल में या गूगल में रैंक करने के लिए आपको जरूरी होता है कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज, जो मैंने इसमें आपके लिए दे दिया हूँ। ये आपका वेबसाइट का नेम शो करेगा, यहाँ कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब पेज है। यहाँ में आप अपना एड कोड प्लेस करेंगे, यहाँ में भी एड आप प्लेस करेंगे, जो भी एड नेटवर्क आप यूज़ करते हैं उसका एड कोड यहाँ प्लेस कर देंगे। और मैंने, देखिएगा, मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक एड नेटवर्क का आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देख के भी आप वहाँ से भी ऐड प्लेस कर पाएंगे। मैं अपना वेबसाइट में, हर वेबसाइट में उसी का ही ऐड को प्लेस करता हूँ, क्योंकि देखिए गूगल सर्च, गूगल एडसेंस का ऐड मिलना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर से जगह में आपको, हमें अप्रूवल मिलता ही नहीं है, तो इसलिए मैं जो ऐड नेटवर्क यूज़ करता हूँ वो बेहतर है। एडसेंस का जितना उतना अच्छा नहीं है, फिर भी खास ही है। तो दोस्तों, यहाँ में भी मैं नीचे आपके लिए ऐड कोड लगाने का जगह दे दिया हूँ, और इस आर्टिकल के एरिया में आप अपना टूल के बारे में एक अच्छा सा आर्टिकल लिख के यहाँ में आप पेस्ट कर दीजिएगा। तो चलिए एक बार इस टूल कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन वन जो लिखा है, यहाँ में आपको एक सवाल टाइप करना है। तो चलिए, मैं आपको दिखाने के लिए कोई भी ये थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, आप खुद से लिखिएगा। यहाँ मैं जो क्वेश्चन आप डालना है, ऊपर में आप क्वेश्चन को डाल दिया, और नीचे राइट आंसर हेयर वाला सेक्शन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन का जो सवाल है उसको आप यहाँ में पेस्ट कर, राइट कर दीजिए। आपका ये लिख के भी रख सकते हैं, वहाँ से लेके भी आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों, मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन आंसर का सेक्शन दिया हूँ, आप यहाँ में एक के बाद एक डाल दीजिएगा। तो मैं एक ही करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन और आंसर दोनों पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ जनरेट वाला बटन में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जनरेट में क्लिक करेंगे तो आपके, देखिए, इस साइड में आपका पूरा कोड बन के तैयार हो गया। ये रहा आपका HTML कोड, ये CSS कोड, ये आपका JavaScript कोड, और ये रहा स्कीमा कोड। क्योंकि आपको गूगल में रैंक करने के लिए स्कीमा कोड बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको एक के बाद एक इसको कॉपी करके अपना वेबसाइट में ला लेके इसे पेस्ट कर देना है। HTML को पहले ले लीजिए, उसके बाद CSS को लीजिए, उसके बाद JavaScript को लीजिए, और स्कीमा को आप HTML का ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं, HTML का हेड टैग के नीचे भी आप पेस्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, आप देख चुके हैं। तो देखिए, हमने जो क्वेश्चन यहाँ में तैयार किया था वो यहाँ में जनरेट होके कैसे हमारा वेबसाइट में दिखाएगा, वो यहाँ में हमें दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमने जो आंसर, देखिए यहाँ में जो आंसर हम दे के रखे हैं वो आंसर यहाँ में शो कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा,
कि आप अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे डाल दो, ताकि इस टाइप का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं, इस टूल को क्रिएट करते हैं, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए मेरे साथ ब्लॉगर में। तो मैंने आपके लिए पहले ही एक टूल वेबसाइट क्रिएट करने के लिए एक वेबसाइट बना के रखा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जो नया वेबसाइट आप कैसे क्रिएट करना है वो आप जानते ही होंगे। आपको नीचे आना है, न्यू ब्लॉग में क्लिक करना है, यहाँ से यहाँ में आपका वेबसाइट का नेम देना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपको एक लिंक मतलब यूआरएल आपको चूज कर लेना है, जो यूआरएल से कोई भी आपके वेबसाइट में आएगा। तो उसके बाद सेव कर देंगे तो आपके सामने ये बन के रेडी हो जाएगा। आप कोई डोमेन नेम परचेस किए हैं तो वो कैसे आप इसमें ब्लॉगर में यूज़ करेंगे, उसका भी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो देख के भी आप आराम से उसको क्रिएट कर पाएंगे। तो जैसे आप नया वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने यहाँ में थीम के साथ दिखाएगा, तो आपको राइट एरो में क्लिक करके यहाँ में स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम लिखा रहेगा, उसमें क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करके स्विच विदाउट बैकअप, इसमें क्लिक करके आपको क्लिक करते ही आपको इस टाइप का थीम बन जाएगा। उसके बाद आपको या आप दोबारा राइट एरो क्लिक करना है, चेंज नेम बार में जाना है और इसमें आपको ऑफ में सेलेक्ट करके इसको सेव कर देना है। और कोई काम नहीं है दोस्तों। अभी क्या करेंगे, हम एडिट एचटीएमएल में जाएंगे और यहाँ में जितना भी कोड है इसको कंट्रोल प्लस ए करेंगे और पूरा कोड को डिलीट कर देंगे। डिलीट करके दोस्तों आपको मैं जो कोड दूंगा वो कोड आपको यहाँ में पेस्ट करना है। तो वो कोड आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों, उसके लिए आपको गूगल में टाइप करना होगा sbtech.sciontv.in। तो आप इस वेबसाइट में पहुँच जाएंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस वेबसाइट में डायरेक्ट पहुँच पाएंगे। यहाँ आके आपको इस आर्टिकल को फाइंड करना है, क्रिएट एफएक्यू जनरेटर टूल ऑन ब्लॉगर। आपको अगर डायरेक्ट ये आर्टिकल नहीं मिलता है तो एफएक्यू जनरेटर आप ये सर्च बार में लिख के टाइप करेंगे तो आपके सामने ये पोस्ट खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, करके आपको एकदम सीधा नीचे चला आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ में भी आप देखिए कैसे आप इस टूल को आप खुद से ब्लॉगर में क्रिएट करेंगे, वो मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपके लिए लिख के रखा हूँ। यहाँ देख के भी आप कर पाएंगे और वीडियो देख के तो आप समझ ही जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों आपका कोड। आपको क्या करना है दोस्तों, एकदम नीचे चलाना है और यहाँ में क्लिक हैड टू कॉपी वाला जो बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए आपका कोड यहाँ सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। और दोस्तों आपके सामने कोई अगर ऐड आ जाता है तो आपको ऐड वाला पेज को क्रॉस कर देना है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेगा, तो चैनल में जाके जितना देर तक आपके सामने यूट्यूब नहीं खुलता है, जो भी ऐड पेज आएगा आपको उसे क्रॉस कर देना है। और यूट्यूब चैनल में जाके सब्सक्राइब करने के बाद आपको यूट्यूब चैनल का पेज को भी क्रॉस कर देना है। करते ही कुछ ही सेकंड में आपके सामने ये आर्टिकल खुल के आ जाएगा। तो चलिए अभी इस कोड को हम ले जाएंगे जाके अपना जो ब्लैंक एरिया है जहाँ से हम कोड को डिलीट किए थे वहाँ ले जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सेव कर देंगे। तो चलिए इसे हम सेव कर देते हैं। अभी बैक जाएंगे, जाके एक बार देखेंगे कि व्यू ब्लॉक करके कि हमारा टूल बना है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा एपीक्यू जनरेटर वाला टूल बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए अभी ये सब ब्लैंक है, जब हमको सवाल जवाब यहाँ तैयार करेंगे तो दिखाएगा। तो चलिए दोबारा हम देख लेते, कोई भी एक सेक्शन को हम यहाँ डाल लेते, दो तीन दोस्तों हम बना के देखते, तो सेम सेम हम डाल देते ताकि टाइम बच जाए, हमारा काम हो रहा है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। तो चलिए तीन सवाल का जो सवाल हम रेडी किए, जेनरेट में क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा सामने ये जो तीन सवाल हम तैयार किए वो तीनों यहाँ में चला आया। और ये देखिए इसका जवाब, सबका जवाब सबके नीचे में दिख रहा है। तो
तो दोस्तों यहाँ से ये सब कोड को आप जैसे कॉपी करके अपना वेबसाइट में पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने इस टाइप से ये सब दिखने लग जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों आप समझ चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब किए कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो जरूर याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे डालने मत भूलिए। तो दोस्तों अभी जो है ये सब चीज़ को हम लोग कैसे एडिट करेंगे, आप कहाँ ऐड कोड को प्लेस करेंगे, कहाँ आर्टिकल को पेस्ट करेंगे, चलिए अभी वो हम देख लेते हैं। इसलिए हमें जाना होगा थीम में, दोबारा एडिट एचटीएमएल में जाएंगे, इसको आप स्क्रॉल डाउन करिए, चाहे आप कंट्रोल प्लस एफ बटन प्रेस करके उसे टाइप कीजिएगा तो भी आपके सामने आ जाएगा, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए ये जो कॉन्टैक्ट अस यहाँ में लिखा हुआ है, मतलब ये जो अपना टूल में ये जो कॉन्टैक्ट अस वाला सेक्शन है, यहाँ कैसे आप एडिट कीजिएगा, कैसे आप अपना लिंक को यहाँ में डालिएगा। तो कॉन्टैक्ट अस के जगह में अपना लिंक को डालने के दोस्तों आपको क्या करना है, दूसरा कोई एक ब्लॉग वेबसाइट आपको क्रिएट करना है, वहाँ में आपको इस टूल वेबसाइट के लिए पेज बनाना है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब पेज क्रिएट कर लेना है। कहाँ से आप जनरेट करेंगे उसके लिए भी आपको मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो सब टूल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, ये सब पेज आप आसानी से बना पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अलग वेबसाइट में मैं इसलिए बनाने बोल रहा हूँ क्योंकि टूल वेबसाइट में कोई भी पेज आप बनाइएगा तो वो उसका यूआरएल कहीं काम में नहीं आता है, इसलिए आपको दूसरा एक ब्लॉग बना के रख देना है सिंपल सा, जहाँ में आप जितना भी टूल वेबसाइट क्रिएट करेंगे सबका पेज वहाँ में बनाएंगे और उसी का यूआरएल को लाके दोस्तों ये जो कोटेशन का अंदर में कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल लिखा हुआ है इसके जगह में आपको रिप्लेस कर देना है, अबाउट अस के लिंक को लाके अबाउट डॉट एचटीएमएल इसके सामने लाके पेस्ट कर देना है। और दोस्तों वो जो ऐड कोड आपको डालना है तो चलिए एक बार देख लेते हैं, तो आपको ऐसे नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल प्लस एफ प्रेस कीजिए, देखिए ऊपर में सर्च बार खुल चुका है, अभी हम यहाँ में ऐड कोड को फाइंड करेंगे, तो ऐड लिख के जैसे एंटर करेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ अपना ये ऐड कोड लिख के रखा है सब हाइड सिलेक्ट होके आ गया। देखिए तो ये जो ऐड कोड जहाँ पे लिखा है, सिर्फ दोस्तों जहाँ पे ऐड कोड लिखा है इस जगह में आप अपना ऐड कोड को लाके प्लेस कीजिएगा तो आपका ऐड दिखने लग जाएगा यहाँ में। और दोस्तों अभी क्या है, ऐड कोड प्लेस करना आप जान चुके, जहाँ जहाँ आपको ऐड कोड दिख रहा है वहाँ वहाँ आप अपना ऐड कोड को प्लेस कर दीजिएगा, और वो जो आर्टिकल आप लिखिएगा इस आर्टिकल को, आर्टिकल के जगह में आपका लिखा हुआ आर्टिकल को यहाँ लाके पेस्ट कर दीजिएगा तो आपका आर्टिकल आपका टूल वेबसाइट में दिखने लग जाएगा। तो ये आर्टिकल दोस्तों आप अच्छा रहेगा, आप ब्लॉगर पोस्ट में जाके अच्छा एक आर्टिकल लिखिए, उसमें जो भी कस्टमाइज करना है आप कस्टमाइज कर लीजिए, करके एचटीएमएल व्यू में जाके उसका पूरा कोड को कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट कर दीजिए, करके सेव कर दीजिएगा तो आपके सामने आपका हर कुछ ऐड और आर्टिकल सब कुछ यहाँ में दिखने लग जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप का टूल को हर कोई खुद के लिए बनाना चाहते हैं तो आप जितना जल्दी हो सके अपने लिए एक अच्छा सा डोमेन नेम ले लीजिए, लेके खुद के लिए बना लीजिए, क्योंकि देखिए सवाल जवाब का वेबसाइट बहुत कोई बनाना चाहते हैं, बच्चे लोगों का ट्यूशन के लिए, उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए, ऐसे दुनिया भर का खबर को जानने के लिए सब कोई इस टाइप का वेबसाइट का ज़्यादा यूज़ करता है। तो इसी टाइप का वेबसाइट अगर आप खुद से जनरेट कर पाएंगे, और सबसे मज़े की बात है दोस्तों जो भी क्यू एन ए जनरेटर वाला बोलिए वेबसाइट आपको दिखता है तो वहाँ में एक ही सवाल रह जाता है, जो सवाल देके वो वेबसाइट को क्रिएट करता है वही सवाल हमेशा दिखता है। तो आपके पास अगर इस टाइप का टूल रहेगा दोस्तों तो आप डेली अपना सवाल जवाब को चेंज कर पाएंगे, यहाँ से आप नया नया सवाल जवाब बनाइए
उसको जेनरेट करिए और क्यूआर कोड को ले जाके अपना वेबसाइट में पेस्ट कर दीजिए। तो जो भी व्यूअर आपके वेबसाइट में आएगा वो एक दो दिन बाद बाद अगर देखेगा कि नया नया सवाल जवाब आपके वेबसाइट में दिखने को मिल रहा है तो वो आपके तरफ अट्रैक्ट होगा और आप ही के वेबसाइट में वो ज़्यादा विजिट करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे डाल दो, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।